अपने 30-35 साल के करियर में कितना डिलीवर करते हैं, कितना फायदा है, एक पूरी नस्ल खड़ी हो जाती है, पूरा गांव खड़ा हो जाता है, पूरा कबीला, पूरा खानदान खड़ा हो जाता है। तो ये आज से बड़ा आप देखिए कि इसलिए वो मेरी किताब से जरा नम हो इस नाम, उसमें कोटेशन मैंने लिखी कि कामयाबी नीचे वाला हाथ से ऊपर वाले हाथ का सफर है, ये जर्नी है सर, ये हाथ नीचे वाला और ये हाथ, और यही हदीस है कि नीचे वाला हाथ ऊपर वाला हाथ है वो बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तो आपकी जिंदगी में जर्नी क्या कि जो मैंने सीखा, रूमी का कभी वो देखा, वो जो रूमी के मजार पे डांस हो रहा है, अच्छा वो सिंबॉलिक डांस, मैं कोई डांस तो नहीं ज्यादा बोल सकता लेकिन एक बड़ा मजे का साइन है उस डांस में, ये हाथ यार और ये हाथ ये हो पर वो यूं घूमते, पता क्यों, उससे लिया और इधर बांट दिया। बड़ा इंसान क्या है जो ये इस तरह लेता है और बांट देता है। और अगली बात बताऊं, पल्ले से कुछ भी नहीं हम दे रहे होते, अल्लाह ने दिया होता है तो हम दे रहे होते। तो जो बड़ा बंदा है वो जान जाता है कि मेरे रब की तौफीक है। आज से जब इस पैमाने, इस फुटे, इस मापने के एक टूल के साथ दुनिया को देखोगे तो आपको बड़े बड़े ओहदों पे बोने मिलेंगे, फायदा नहीं दे सकते, और आपको बड़े छोटे छोटे सादा सादा लोग वो बड़े बड़े मिलेंगे। पैमाना बदल गया ना, पैमाना क्या हो गया, फायदा देने वाला बहुत बड़ा यार। वो अब्बा जो मजदूरी करके हमें पढ़ाता है बहुत बड़ा, वो मुल्क के वजीर आजम से भी बड़ा, वो माँ जो चूल्हे के सामने बैठ के पापड़ियाँ बाल के रोटियां पकाती बहुत बड़ी होती, वो चाचा जो हमारी हेल्प कर देता है, वो टीचर जो हमें एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, वो शख्स जो हमारे लिए कोई कुर्बानी दे देता है बहुत बड़ा होता है। क्यों, फायदा देता है, नफा देने वाला, फायदा देने वाला, आसानी पैदा करने वाला बड़ा इंसान होता है। सो मेरी गुजारिश है बच्चों, आप लोग ये जो मौका मिला है, और मैं असद जकूब साहब आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, ये मेरे लिए, मेरे इदारे के लिए बड़े एजाज की बात है। इसलिए मेरा कभी ख्वाब था कि असद साहब में मिलकर कुछ काम करें, जिंदगी में इतना हम इकट्ठे मिले और इन बच्चों को एक इतना कमाल का एक्सपोजर मिला कि आप जैसा उस्ताद मिल गया। अगले 5-6 माह असद साहब आपके साथ हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटे, सच्ची बात है, फ़ायदा आपने उठाया। इनके कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिनका जो अपने स्पोकन की वजह से दूसरे मुल्कों में गए होंगे, अपने स्पोकन की वजह से ग्रो कर गए होंगे, अपने स्पोकन की वजह से। देखिए मैं छोटी सी मिसाल दूँ, कम्युनिकेशन जो है ना वो मुकम्मल रोटी है। मैं बोलता हूँ इससे इज्जत मिलती है, मैं बोलता हूँ इससे पैसे मिल जाते हैं, मैं बोलता हूँ इससे मेरी पीआर बनती है, मैं बोलता हूँ इससे मेरे दोस्त बनते हैं, मैं बोलता हूँ इससे मेरे दुश्मन भी बनते हैं। नजरियाती हम नहीं मानते सर, ये कम्युनिकेशन है। अगर आपको यहाँ पर शटअप बंद हुआ हो किसी को क्या पता। That's why I'm going to close with one of the finest sentences in the finest quotation in history. Najul Balagha Hazrat Ali Karmalawala says that baat karo taake pehchane jao, kyunki insaan apni zuban ke niche poshida ho, tum bolte ho duniya ko pata lagta hai kitna chhota hai ya kitna bada hai. Allah aapko azmat ata farmaye. Bahut bahut shukriya. Okay, we